हम आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारे डिवाइस का सीरियल नंबर क्या है। इसके लिए हमें अगर विंडो 10 या विंडो 11 है तो सर्च बार पर आपको लिखना है डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर में पहुंचकर आप नीचे लिखा हुआ होगा यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर, इसमें जितनी भी डिवाइसेस हमारे लैपटॉप से या डेस्कटॉप से कनेक्टेड हैं उन सब का नाम यहाँ आ जाएगा। जैसे कि मेरे पास ये मार्को डिवाइस कनेक्ट है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, उसके बाद इवेंट पर जाता हूँ तो हम देखेंगे आसानी से ये नीचे हमारा नंबर डिवाइस का सीरियल नंबर निकल के आ गया। इस सीरियल नंबर को हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ से बाहर आ जाएंगे, फिर हम साइट खोलेंगे अपनी आरडी सर्विस। सीरियल नंबर जब हमको मालूम पड़ जाता है उसके बाद हम वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं, और वैलिडिटी चेक करने के लिए हम डिवाइस मैनेजर से जो मार्को का सीरियल नंबर लेके आए थे उसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और कॉपी करने के बाद हम वेबसाइट खोलेंगे आरडी सर्विस ऑनलाइन, और यहाँ पर जाकर ये दो ऑप्शन मिलते हैं हमें, रिन्यू आरडी सर्विस एंड चेक वैलिडिटी। यहाँ पर हम चेक वैलिडिटी पे क्लिक करते हैं और जो सीरियल नंबर कॉपी कर लाए हैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हम पेस्ट करते हैं उसका सबमिट कर देंगे और यहाँ पर हमको लिख के आ जाएगा कि डिवाइस ऑलरेडी वाइट लिस्टेड। अगर हमारी डिवाइस ऑलरेडी वैलिडिटी के पीरियड में है तो लिख के आएगा डिवाइस ऑलरेडी वाइट लिस्टेड। अगर हमारा रिचार्ज एक्सपायर हो गया है तो हमको यहाँ पर तुरंत ही शो कर देगा कि आपका रिचार्ज इस डेट को, यदि हमारे डिवाइस की वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है तो हम उसको रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज करने के लिए यहाँ पर हम कितने साल के लिए रिचार्ज करना है हमें, एक साल, दो साल या तीन साल, सपोज करिए हम एक साल के लिए रिचार्ज करते हैं, यहाँ पर डिवाइस के सीरियल नंबर को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डिवाइस के सीरियल नंबर के बाद उसके मॉडल को सिलेक्ट करते हैं, ऐड डिवाइस की जगह पर हम ऐड टू कार्ट कर लेंगे, देखते हैं ये फिर हमारा कार्ट में पहुँच जाता है। यहाँ पर हम चेकआउट करने के बाद सीधे पेमेंट ऑप्शन पर पहुँच जाते हैं। पेमेंट ऑप्शन पर जैसे ही हम पहुँचते हैं यहाँ पर हमसे ये यूजर का एक नाम मांगता है, एक ईमेल आईडी ऑलरेडी अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं, नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट पर जाकर अपना नया अकाउंट बना सकते हैं। मेरा ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही मौजूद है, मैं यहाँ साइन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 375 रुपये प्लस टैक्स है 67 रुपीज, टोटल कुल मिला के 442 रुपये 50 पैसे कटे हैं। पेमेंट ऑप्शन के लिए आप बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन हैं, वीज़ा कार्ड या क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, वॉलेट, आप कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करिए। Yeah!